Hello friends, welcome back. So till now in mathematics we discussed chapter number 1, chapter number 10. Now I am going to start a new chapter, that is chapter number 12, area related to circles. Very interesting chapter. It is a pure numerical based chapter, pure logic based chapter, very interesting chapter. So we start chapter number 12, that is area related to circles. Chapter number 12, area related to circles. 10th chapter में हमने circles पढ़ा था, circles की definition, ठीक है ना, उसकी basic functioning, उसके regarding theorems और जो questions थे वो हमने देखे थे. Now the next topic is, next chapter is area related to circles. यानी यहाँ हमें सिर्फ सर्कल्स रिलेटेड जितना एरिया है वो कैसे निकालते हैं, किस तरीके से होता है, वो हमको पढ़ना है. और मैं कह सकता हूँ जैसा काइंड ऑफ मेंसुरेशन, ये मेंसुरेशन का ही पार्ट है, बट क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है इसमें सिर्फ आपको जितने क्वेश्चन हैं वो सर्कल से रिलेटेड ही मिलेंगे, इसलिए बेसिकली उसको सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है, ठीक है ना. सो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में हमें कुछ बेसिक चीज़ें देखना है और उसके बाद हम जस्ट बेसिकली अपने एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी के हिसाब से भी आप देखोगे तो सबसे पहले है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले एरिया ऑफ अ सर्कल. अगर एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो आप बहुत से जानते हो कि एक सर्कल है अगर तो उसका एरिया निकालना है, ठीक है. तो एक सर्कल जो है उसका एरिया क्या होता है, अगर सर्कल का सेंटर ओ है और रेडियस आर है तो वी नो वेरी वेल इन आर लोअर क्लास वी ऑलरेडी स्टडीड दिस, इट्स एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना. एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना. और यूनिट क्या होगी, यूनिट स्क्वायर यूनिट. यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना. Either in meter square or in centimeter square. Its unit is in square unit. So area of circle is pi r square. फिर अगर हम सेमी सर्कल की बात करें अब सेमी सर्कल की अगर बात करें तो सेमी सर्कल एरिया क्या होता है, जस्ट एरिया ऑफ सर्कल का हाफ. यानी सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं, सिर्फ हाफ पार्ट की बात करेंगे यानी टोटल का क्या करते हैं, हाफ कर दें. तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय टू, हाफ ऑफ सर्कल स्क्वायर यूनिट, ठीक है. दिस इज एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल. नाउ कम टू पेरीमीटर. थर्ड क्या है, थर्ड है पेरीमीटर ऑफ सर्कल. सर्कल के पेरीमीटर की अगर हम बात करें, सर्कल का पेरीमीटर यानी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सर्कल, ठीक है. यानी उस सर्कल की रिम को कवर करने में, उस सर्कल की रिम को कवर करने में, उसकी सर्कमफेरेंस को कवर करने में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, या जिसको हम सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल भी कहते हैं. पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विल इक्वल टू P is equal to 2 pi r unit, ठीक है. क्योंकि डिस्टेंस है, पेरीमीटर क्या है, डिस्टेंस कवर्ड. तो डिस्टेंस कवर्ड का होता है आइदर इज इन मीटर और इज इन सेंटीमीटर, सो दैट्स व्हाई ओनली यूनिट, आइदर इज इन मीटर और इज इन सेंटीमीटर, क्लियर. तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 pi r, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन सर्कल का होता है, एक डिस्टेंस कवर्ड सर्कल का होता है, दैट इज 2 pi r रोटेशन, क्लियर. फिर हम बात करते हैं सेमी सर्कल की, इसको ज़रा ध्यान से समझना. पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, क्योंकि ये चीज़ बहुतों से गलत हो जाती है या पता हो के भी हमें गलत पता होती है, तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल. I
आप बोलते हैं सर सेमी सर्कल का पेरीमीटर का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड, एक पूरी रिंग का डिस्टेंस कवर्ड जो हम करते हैं दैट इज 2πr। तो आप कहोगे सर ये जो डिस्टेंस कवर्ड है ये 2πr, ये पूरा अगर ऐसा बना दे तो सर्कल बनता है, लेकिन ये आधे है भाई, ये सिर्फ क्या हुआ πr हुआ। लेकिन क्या ये कंप्लीट हो गया डिस्टेंस कवर? आप सिर्फ यहां से यहां तक गए क्या आपका डिस्टेंस कवर कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। आपने कहा सर ये जो है डायमीटर इसको कवर करा क्या, इसका हम चले? नहीं चले ना। तो कैसे पेरीमीटर कंप्लीट हो गया अभी? तो आप बोलते पाई आर दिस डिस्टेंस एंड टू आर दिस डिस्टेंस, पाई आर दिस डिस्टेंस एंड टू आर डिस्टेंस। अब हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट था, पाई आर चले, टू आर वापस आए, तब जाके हमने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो किया, जरूरी है ये चीज। तो आप क्या बोलोगे पाई आर का ये डिस्टेंस है प्लस टू आर भी कवर करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल दैट इज टू आर प्लस पाई आर और डायमीटर प्लस पाई आर। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं आर कॉमन लेंगे तो टू प्लस पाई इंटू आर यूनिट, ठीक है ना। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये होगा हमारे बेसिकली बेसिक बहुत फॉर्मूले जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम और भी फॉर्मूले देखते हैं क्या कहने क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब फिफ्थ हम बात करते हैं। फिफ्थ बात करने से पहले हमको पता होना चाहिए सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है एरिया का, सर्कल का, सॉरी सर्कल का सेगमेंट क्या होता है, सर्कल के सेक्टर क्या होते हैं, ये हम देखते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है, दिस इज द सेंटर। सपोज ये ए बी कॉर्ड है, this is radius, this is radius, ठीक है। देखो ये जो है suppose this is theta, इसको मैंने क्या बोलते हैं theta, theta is basically angle, theta is nothing but an angle, derivation sign of an angle is theta। तो आप क्या बोलोगे सर, सबसे पहले आप हम जानते हैं ये नाइन्थ क्लास में आपने बहुत अच्छे सर्कल में पढ़ा था, नाइन्थ क्लास में सारी बेसिक्स में ही था पूरा सर्कल, उसकी डेफिनेशन, उसके पार्ट्स, फिर सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या है, मेजर माइनर सेक्टर, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या है, मेजर माइनर सेगमेंट, सारी चीज़ पढ़ चुके थे आप, बट फिर भी मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। अब हम बात करते हैं सेक्टर की। तो आप जानते हो कि दिस इज नोन एज एंगल ऑफ सेक्टर, थीटा क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है एंगल ऑफ सेक्टर, या ऐसा बोलो आप एंगल ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर, सेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे ना, सेक्टर को आप डिफाइन करोगे क्या है सेक्टर, आप बोलो सेक्टर हमारा ये है पूरा, ये ठीक है, आप बोलो ये है हमारा पूरा सेक्टर क्या ये, दिस इज दी सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये पूरा क्या है, दिस इज दी सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना, ये जो पार्ट हमारा बन रहा है ये है हमारा सर्कल का सेक्टर। तो आप देखो क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये क्या है, ये आर्क है, कैसी आर्क है, माइनर आर्क है भाई। अगर एक सर्कल है तो ये सर्कल की यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगी, माइनर आर्क, ये क्या कह रहा है उसकी माइनर आर्क, ठीक है ना, और ये वाली ये जो आर्क है ये क्या कह रहा है उसकी माइनर आर्क, और ये वाली आर्क कौन सी कह रहा है उसकी मेजर आर्क, दिस इज दी माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल, दिस इज दी मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल। तो आप क्या बोलोगे सेक्टर क्या है, सेक्टर इज अ रीजन बाउंडेड बिटवीन रेडियस एंड आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क और सेक्टर
रेडियस के बीच में, आर आर और रेडियस के बीच में, अब सीधे आ जाओ ये एंगल है, आपको पता है ये जो है थीटा है, तो इसका रिफ्लेक्स कितना होगा, इसका रिफ्लेक्स कितना होगा 360 माइनस थीटा, रिफ्लेक्स कितना होगा 360 माइनस थीटा, तो आप क्या बोलोगे, सेक्टर ऑफ एरर डिफाइन करेंगे, रीजन बिटवीन रेडियस एंड करेस्पॉन्डिंग आर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर क्या है, रेडियस और करेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सर्कल के बीच का रीजन, दैट इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना, ये पूरा सेक्टर रेडियस और आर्क के बीच का, ठीक है ना। अब आप बोलोगे अगर रेडियस एंड माइनर आर्क है तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, यानी ये क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर कहलाएगा ये वाला, और इसके लिए जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, थीटा, भाई ये माइनर सेक्टर है आपका, तो माइनर आर्क है और एंगल है थीटा, तो दोस्तों अगर ये वाला जो पार्ट बच गया, ये जो बड़ा वाला पार्ट रह गया आपका, ये वाला जो पार्ट है ये क्या था कहलाएगा, मेजर सेक्टर, सर्कल से आपने कहा था ये माइनर सेक्टर, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर, इसका एंगल क्या होगा, ये होगा रिफ्लेक्स, उसके लिए आर की ये तो रेडियस ही रहेगी, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, रेडियस एंड अगर मेजर आर्क है, रेडियस और अगर मेजर आर्क है तो वो क्या कहलाता है, मेजर सेक्टर, रेडियस और मेजर आर्क के बीच में बनने वाला जो एरिया दैट इज मेजर सेक्टर, सेक्टर दैट इज मेजर सेक्टर, और इसका एंगल क्या है, इसका एंगल है 360 माइनस थीटा, इसका एंगल क्या है 360 माइनस थीटा, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर आपको लिख सकता हूँ मैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क क्या है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालें, बट उससे बेटर क्या चाहिए, उससे बेटर ये चीज़ है कि भाई एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए ना पहले सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या कहलाता है, माइनर क्या कहलाता है, क्या रीजन है, थोड़ा बेसिक क्लियर होगा तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे और कर पाओगे, इसे बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है चैप्टर से पहले, मैथ पर सीधे उठाते हैं और एक्सरसाइज पे लग जाते हैं, ना हम चैप्टर का बेसिक समझते हैं, ना उसका मतलब समझते हैं, ना हम एग्जांपल्स देखते हैं, हम सीधे एक्सरसाइज करने पे लग जाते हैं, इसलिए आपसे मैथ्स में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होती है मैथ्स स्टूडेंट से, क्यों, क्योंकि वो जो सही है चीज़ें हैं उसको तो पढ़ना ही नहीं है, बेसिक समझना ही नहीं है, अरे आप क्वेश्चन जब तक कैसे कर पाओगे प्रॉपरली, जब तक आपको डेप्थ पता नहीं होगी चीज़ों की, एक बार आपको डेप्थ क्लियर हो जाएगी तो फिर आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, इस चैप्टर के बेसिक को समझो, फॉर्मूले क्या हैं, क्यों हैं, कैसे बने हैं, क्या उसके पीछे डेफिनेशन है, उनको समझो, एंड देन आफ्टरवर्ड स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, तो उस वे में अगर आप करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, नाउ कम टू सेगमेंट पार्ट, तो आप बोलोगे ना सेगमेंट क्या है, तो आप बोलोगे ये है हमारा सेगमेंट, अगेन ये क्या है भाई, आपको अगर दिस इज माइनर आर, दिस वन इज मेजर आर ऑफ दिस करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एक कॉर्ड डिवाइड करती है सर्कल को मेजर आर्क में या माइनर आर्क में, और अगर सेंटर से जा रही है तो सेमी सर्कुलर आर्क, जितना ऊपर उतना नीचे, तो वो सेंटर से डायमीटर वाली लाइन को क्या बोलोगे, सेमी सर्कुलर आर्क, तो ठीक है ना, आप क्या बोलोगे सर, दिस इज सेगमेंट, ये क्या है आपका सेगमेंट है, उसको आप क्या बोलोगे सेगमेंट, ठीक है ना, तो सेगमेंट को कैसे डिफाइन करोगे आप बोलोगे सेगमेंट को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, रीजन बिटवीन किस किस के बीच में, कॉर्ड और आर्क के बीच का, ये क्या है, ये कॉर्ड है और ये आर्क है, तो कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन क्या कहलाता है, सेगमेंट, तो रीजन बिटवीन आर या करेस्पॉन्डिंग आर्क को आप
रीजन बिटवीन करेस्पॉन्डिंग आर्क एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। अगेन इसमें आप बोलोगे कॉर्ड और माइनर अगर आर्क है तो आप क्या बोलोगे, ये माइनर सेक्टर कहलाता है, सॉरी माइनर सेगमेंट कहलाता है, नॉट सेक्टर। दिस इज द माइनर सेगमेंट एंड दिस होल इज द मेजर सेगमेंट। ये जो ये इतना हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच का रीजन माइनर सेगमेंट और कॉर्ड एंड मेजर आर्क, कॉर्ड और ये मेजर आर्क के बीच का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। ये क्या कहना है आपका, मेजर सेगमेंट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ सेक्टर मेजर माइनर एंड सेगमेंट मेजर माइनर ऑफ पर्टिकुलर सर्कल, ठीक है ना। तो ये उसका बेसिक्स हो गया। अब हम इसके बाद बात करते हैं इनके फॉर्मूलेस। देखो फॉर्मूले देखते हैं इसकी। इन चैप्टर से जितने भी फॉर्मूले हैं वो अपन पहले देख लेते हैं, जितनी भी बेसिक सब हमको पढ़ना है पूरे चैप्टर में अपन पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद फिर अपन पॉइंट टू पॉइंट एक्सरसाइज करते चलेंगे, ठीक है। देखो नाउ कम टू फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ एन आर ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ एन आर ऑफ सर्कल। अब वो क्या पहला फॉर्मूला पढ़ना है, लेंथ ऑफ एन आर का फॉर्मूला क्या है। फॉर एग्जांपल आपको एक सर्कल है, आपने कहा सर ये हमारा सेंटर है, दिस इज रेडियस, सपोज दिस इज कॉल्ड ए बी, और आपको निकालना है लेंथ ऑफ एन आर्क। आपको सपोज इस आर्क की लेंथ निकालना है, दिस एल आर यू हैव टू फाइंड आउट, इस आर्क की लेंथ निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, देखना याद ध्यान से। इसका फॉर्मूला बनता है लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइडेड बाय स्मॉल एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू 2πr। लेंथ ऑफ एन आर का फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। कैसे, आपको अगर ये एल जो है वो माइनर आर्क है तो माइनर आर्क के करेस्पॉन्डिंग फिलहाल क्या है, थीटा। उनका वर्ग है इसकी करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, थीटा। ये आपका एंगल है, सीधी बात है। एक सर्कल का कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360। तो किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, 360 के रिस्पेक्ट में, इसलिए 360 इंटू 2πr, 2πr दैट इज लेंथ या पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल से आपने मल्टीप्लाई किया, यानी आपकी लेंथ कितनी हिस्से की है इस पूरे सर्कल में से, दैट इज लेंथ ऑफ एन आर्क। सपोज अगर आपको मेजर लेंथ निकालना है, ये तो वही माइनर लेंथ एक प्रकार से माइनर आर्क की लेंथ। अगर मेजर आर्क की लेंथ निकालना है तो दो तरीके हैं। पहला, आपने कहा सर हम माइनर लेंथ माइनर आर्क की लेंथ निकाल लें और उसको वापस 2πr से माइनस कर दो। इस पूरे 2πr से अगर आप कितना हिस्सा माइनस करोगे तो ये वाली लेंथ निकल आएगी आपके पास, बिल्कुल निकल आएगी। ये तो क्या फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका आप बोलोगे सर हम डायरेक्ट, अगर हमें मेजर लेंथ निकालनी है, अगर हमें सपोज ये वाली लेंथ निकालनी है तो हम डायरेक्ट क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये एंगल यूज करेंगे। अब माइनर लेंथ के सामने का एंगल थीटा है तो मेजर लेंथ के सामने का एंगल क्या होगा, 360 माइनस थीटा। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, अगर मेजर आर्क की बात करें तो क्या बोलोगे आप, 360 माइनस थीटा अपॉन थीटा इंटू 2πr। वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 360 माइनस थीटा अपॉन थीटा इंटू 2πr। तो मेजर आर्क की लेंथ निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो 360 माइनस थीटा अपॉन थीटा 360 इंटू 2πr उससे निकाल सकते हो, या माइनर आर्क की लेंथ निकाल के 2πr से माइनस कर दोगे इसको तो भी मेजर आर्क की लेंथ निकल। तो दोनों तरीके हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। द फर्स्ट फॉर्मूला इज लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, तो दिस इज बेसिकली माइनर आर्क की बात कर रहे हैं, मेजर आर्क मैं आपको बता चुका हूँ इस तरीके से निकालो।
सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर अब ये सेक्टर है आपने कहा सर अगर इस सेक्टर का एरिया निकालना है इस सेक्टर का अभी ये कैसा है माइनर सेक्टर तो अगर इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो आप फॉर्मूला क्या करोगे ए इज इक्वल टू अगेन थीटा बाय 360 अगेन आपके सेक्टर का एंगल थीटा किसके रिस्पेक्ट में देगा पूरे एंगल के इन टू आपने कहा यहाँ पे आर्क के लिए हमने सर्कमफेरेंस या पेरिमीटर को मल्टीप्लाई किया तो एरिया के लिए एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा बाय 360 इन टू पाई आर स्क्वायर या आ गया आपका क्या एरिया ऑफ सेक्टर का सर्कल यहाँ भी वही सिचुएशन आप बोलोगे सर ये तो हो गया माइनर सेक्टर का एरिया मेयर का निकालना अगेन दो तरीका फर्स्ट वन पहले ये एरिया निकाल के और टोटल सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर उस समय इसको सब्ट्रैक्ट कर जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी उसको हम पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा मेजर सेक्टर का एरिया निकल आएगा और सेकेंड तरीका सेम प्रीवियस की तरह ये एंगल कितना है मेजर सेक्टर का एंगल कितना है 360 माइनस थीटा तो आप क्या बोलोगे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर उससे भी निकाल सकते हैं ठीक है तो अगेन जैसे आपको कंफर्टेबल लगे मेजर सेक्टर के लिए आप वैसे निकाल लो ठीक है तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर और सर्कल इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों के रिलेशन की बात करें रिलेशन बिटवीन एरिया एंड लेंथ ऑफ एन आर्क अगर मैं आपसे बोलूंगी एरिया और लेंथ ऑफ एन आर्क में रिलेशन है वो डायरेक्ट लिख दो आप तो ज्यादा बेटर है मान लो किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर हमें एरिया और लेंथ ऑफ एन आर्क की बात होगी तो हम डायरेक्ट इस रिलेशन को यूज कर लेंगे और वो कुछ नहीं है इन दो फॉर्मूले से हमें डिराइव करना है अब एक काम करो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो देखो जैसे आप डिवाइड करोगे तो एल एस में क्या आएगा एल अपॉन थीटा बाय 360 थीटा बाय 360 कैंसिल यहाँ क्या आएगा 2 पाई आर यहाँ क्या आएगा पाई आर स्क्वायर आई से पाई कैंसिल इस आर से ए आर कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई करो ए इज इक्वल टू एल आर अपॉन 2 ये आ गया रिलेशन ए इज इक्वल टू एल इन टू आर बाय 2 ठीक है ना ए इज इक्वल टू एल आर बाय 2 ठीक है यहाँ आर जा रहा है एल आर अपॉन 2 तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2 तो आप जहाँ चाहो वहाँ ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर आपको लेंथ और एरिया डायरेक्ट निकालना है रेडियस पता है डायरेक्ट यूटिलाइज कर लो इस फॉर्मूले को ए इज इक्वल टू एल आर बाय 2 लेंथ ऑफ एन आर्क इनटू रेडियस ऑफ अ सर्कल अपॉन 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल तो इन दोनों फॉर्मूले से हमने इसको डिराइव कर दिया ठीक है ये हो गया इसके बाद निकल के आता है हमारा लास्ट फॉर्मूला बात करें फिलहाल एरिया ऑफ सेगमेंट सेगमेंट का ये निकालना है सेगमेंट यानी आपको इसको निकालना है ये सेगमेंट का एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का या पूरे इस मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आप क्या बोलोगे सर अगेन दो तरीके हैं पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल के टोटल सर्कल से माइनस कर दोगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल आएगा या डायरेक्ट आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल लो तो बेटर क्या है माइनर सेगमेंट का निकाल के टोटल से माइनस कर दें अब सवाल ये होता है कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाए ठीक है इसको जरा अच्छे से समझ देखो अगर ये सर्कल है ये कॉर्ड है सेंटर रेडियस रेडियस सपोज दिस कॉर्ड एंड दिस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट देखो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते फिलहाल तो आप क्या बोलोगे सर इसका तरीका एक ही है कि क्यों ना आप इस सेक्टर का एरिया निकाल लो इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लो उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को क्या कर दो माइनस कर दो यानी कैसे निकालोगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल
इस पूरे सेक्टर से अगर इस ट्राइंगल को माइनस कर दो तो निकल जाएगा एरिया, यानी फर्स्ट एरिया क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अगर इसका एरिया निकालना है आपको तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। पूरे सेक्टर की वजह से ट्राइंगल, यानी पहले हमें सेक्टर का निकालना पड़ेगा, फिर हमें ट्राइंगल का निकालना पड़ेगा। ट्राइंगल का कैसे निकालेंगे वो हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस में देखेंगे। ट्राइंगल का डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, तो हम परपेंडिकुलर प्लॉट करके निकालेंगे, वो क्वेश्चन आएगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से निकालना है, ठीक है ना। फिलहाल आप ये समझो कि इसको निकालने के लिए कैसे तरीका है, इस पूरे सेक्टर से इस ट्राइंगल के को माइनस करेंगे तब जाके ये सेगमेंट के निकल पाएंगे, ठीक है। और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है जो डिराइव किया जाता है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है जो डिराइव किया जाता है, ठीक है ना। ये आपको आरडी में मिलेगा, बुक में नहीं है। बुक में इस तरीके का कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है और इस तरीके का कोई क्वेश्चन भी नहीं उन्होंने किया है, बट डेफिनेटली आरडी में ये फॉर्मूला डिराइव करके उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आप बिल्कुल इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट इट इन्वॉल्व्स लिटिल बिट ट्रिग्नोमेट्री, इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगती है, ठीक है। तो जब अपन 8th चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं ये क्या होते हैं, और अलग अलग एंगल पे इनकी वैल्यू क्या होती है, लाइक साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, सिमिलरली कॉस 45 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, या जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उनकी, अभी जहाँ जहाँ ये वैल्यू यूज़ होंगी वहाँ वहाँ मैं आपको लिख दूंगा कि ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ होती है, और उसको जब अपन एक चैप्टर में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको क्या थी वैल्यूज़। बट फिलहाल जहाँ भी वो वैल्यूज़ हों आप उसको बस थोड़ा ध्यान रखना कि ये वैल्यू हम इसको यूज यहाँ पे कर रहे हैं, क्लियर। तो सेकेंड जो तरीका है वो ये है फॉर्मूला इसको निकालने का, और एरिया इज इक्वल टू थीटा पाई बाय 360 इनटू आर स्क्वायर। थीटा पाई बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इनटू आर स्क्वायर, ठीक है ना। एक फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू थीटा पाई बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 आर स्क्वायर, ठीक है ना। एक फॉर्मूला ये है, ठीक है। देखो इसमें काफ़ी जगह थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूटिलाइज होती है, लेकिन क्योंकि अभी अपन ने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगी, बट जहाँ जहाँ जैसे जैसे इसकी यूटिलाइजेशन होती जाएगी वहाँ वहाँ मैं आपको समझाता रहूँगा कि यहाँ पर इस तरीके से यूज़ किया है, और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहेगी जैसे ही चैप्टर नंबर आप 8 पढ़ोगे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लेंदी है, टफ है, कंपैरेटिव इजी और टफ है, लेंदी बहुत है। तो बेसिकली हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो चैप्टर्स जो हैं वो आप फेस टू फेस पढ़ लो, और कंपैरेटिव 11 से लेके 15 और फर्स्ट सेकेंड ये चैप्टर कंपैरेटिव छोटे चैप्टर हैं, ठीक है ना। इसलिए ये चैप्टर्स के वीडियोस मैं कवर कर रहा हूँ, वो मैम कवर कर रही हैं, क्यों, क्योंकि ये थोड़े से छोटे हैं और वो लेंथी चैप्टर हैं, उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए बेटर है कि उसे हम और आप स्कूल में फेस टू फेस पढ़ें तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, और टाइम को बचाने के हिसाब से आप अगर ये चैप्टर हम यहाँ पढ़ ले रहे हैं यहाँ भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें जो पहले की हैं जो अभी आ रही हैं वो आपको मैं समझाता जाऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, और वो चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी जैसे ही वो चैप्टर आप पढ़ोगे, ठीक है। तो फिलहाल उसको आप समझ लेना कि ये पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू इतनी होती है, पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू इतनी होती है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। और इससे ज़्यादा इसमें कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी, क्लियर। तो ये एक फॉर्मूला है, साइन और कॉस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 थीटा बाई 360 इंटू आर स्क्वायर, आर एस रेडियस,
एंगल पाई बाय 360, पाई 22/7 और 3.14 व्हाटएवर गिवन इन क्वेश्चन, साइन थीटा बाय 2 यानी जो भी एंगल उसका हाफ उसका साइन, जो भी एंगल उसका हाफ उसका कॉस, दोनों का मल्टीप्लाई, इस पूरे का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर से। तो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने। ठीक है, तो ये पूरे बेसिक्स हमने पढ़ लिए इस चैप्टर के, जितने भी यूज होना थे। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12। ठीक है, और इसके बाद हम सारी चीज़ें कुछ होंगी तो वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझते जाएंगे। ठीक है, नाउ कम टू एक्सरसाइज 12.1। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.1 की। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.1 की। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 एंड 9। दो सर्कल उसकी रेडियस आपको गिवन है, तो लेट द रेडियस ऑफ टू सर्कल बी, लेट द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स बी आर 1 एंड आर 2 सेंटीमीटर। ठीक, देखो क्या कहना आपको, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स की तो हम मान लेते हैं आर वन को हम मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर और आर टू कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, हमें लार्जर सर्कल रेडियस सपोज आर है वो निकालना है। लेट द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल बी आर, which has circumference equal to sum of the circumference of two circles। तो क्या क्वेश्चन में गिवन है, इस तरीके से कि circumference जो है उस बड़े सर्कल का वो बाकी दो सर्कल के circumference के सम के इक्वल होगा। मैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2πr is the circumference of bigger circle, 2πr1 plus 2πr2, बाकी दोनों सर्कल जिनकी रेडियस आर वन और आर टू है उसके सम के इक्वल, यानी उसके सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल। Whose circumference is equal to sum of the circumference of other two circles। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से आप 2π कॉमन लेंगे, 2π आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा, आर वन प्लस आर टू, 2π 2π कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। आपने आर वन इज 19, आर की वैल्यू कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। यानी जो बिगर सर्कल बनेगा इस कंडीशन के हिसाब से उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी रेडियस आएगी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, जो न्यू सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कितनी आएगी 28 सेंटीमीटर। क्लियर है, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 एंड 6। अगेन दो सर्कल की रेडियस दे रखी है 8 और 6, तो हम मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ टू सर्कल भी आर वन आर टू। तो हमने क्या मान लिया, आर वन आर टू रेडियस ऑफ सर्कल्स। बड़े वाले की हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है और छोटे वाले की हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, अगेन एक सर्कल की रेडियस निकालना, उसको हमने आर मान लिया। अब यहाँ क्या कंडीशन थी सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। यहाँ पे क्या है कि जिसका एरिया जो है
इसका जो एरिया है वो बाकी दो सर्कल के एरिया के सम के बराबर है, यानी पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। पहले क्वेश्चन में दोनों का पेरीमीटर के सम के इक्वल था पेरीमीटर, यहाँ एरिया एरिया के सम के इक्वल। तो एक काम करते पाई कॉमन ले लेते हैं, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो ये क्या आएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आर इज इक्वल टू रूट ओवर आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं आर वन स्क्वायर। अब देखो एट का स्क्वायर, एट का स्क्वायर 64, सिक्स का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर 36, ठीक है ना। कितना आएगा आर इज इक्वल टू रूट ओवर 100, और 100 का होता है 10, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो आर के लिए कितनी आ गई 1070। क्लियर, तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। क्लियर, तो जो नया सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है ना, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, फिगर डिपिक्ट्स एन आर्करी टारगेट मार्क विद 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड वाइट। एक आर्करी टारगेट है, ठीक है ना, आर्करी यानी तीरंदाजी, ठीक है ना, तीरंदाजी जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो वो टारगेट है और उसमें बेसिकली 5 रिंग्स हैं और उस रिंग के कलर दे रखे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। लाइक दिस, ठीक है ना, फिगर थोड़ा सा आप समझ सकते हो, आप दिक्कत होती है हल्की हल्की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये जो रीजन है ये विजेस, ठीक है ना, मैं ये आपका रीजन क्या हो गया गोल्ड रेड, ठीक है ना, आप यहाँ देखो, आप ये आपका गोल्ड है, गोल्ड के बाद दूसरे रीजन क्या है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है और ये वाइट है। ठीक है, ये 5 कॉमन सेंटर है, अलग अलग रेडियस है दे रखा है आपको। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर इज 21। जो डायमीटर है किसके रिगार्डिंग, गोल्ड के रिगार्डिंग, जो गोल्ड का डायमीटर है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर। एंड ईच अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, विड्थ कितनी दे रखी है आपको 10.5 सेंटीमीटर। अब तो मैंने गोल्ड की डायमीटर दे रखी, यानी इसकी डायमीटर दे रखी कितनी 21, तो रेडियस इसकी रेडियस कितनी आएगी, आधी जाएगी 10.5 जाएगी इसकी रेडियस, ठीक है, रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर, तो ये आपको कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। और विड्थ दे रखी है, विड्थ का मतलब होता है कि एक सर्कल से दूसरे सर्कल सर्कल तक जाने की थिकनेस। आप बहुत चाहते हैं क्या होती है, मान लो ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, ये रेडियस अगर आर वन है और ये रेडियस अगर आर टू है, तो दिस इज नोन एज विड्थ और थिकनेस। तो आप कैसे निकालते हो विड्थ और थिकनेस, बिगर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस, इस बड़ी रेडियस से छोटी रेडियस को माइनस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू निकल आएगी, दैट इज नोन एज थिकनेस। और विड्थ कोई चीज़ यहाँ पर,
तो ये W यहाँ पे जो विड्थ है वो दे रखी है आपको क्या 10.5, यानी ये आपको दे रखी है, दिस इज 10.5 ऐसी आपको पूरी विड्थ दे रखी है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्कोरिंग रिंग, यानी यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ रेड ब्लू ब्लैक गोल्ड एज वेल एज वाइट, इन सारी रिंग्स का एरिया। सबसे पहले आप बोलोगे गोल्ड का निकालते हैं तो गोल्ड का एरिया क्या होगा, अब ये गोल्ड क्या ये रिंग है पूरी गोल्ड, वो तो पूरी पूरी ये रिंग है, उसके एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर जाएगा, पाई आर स्क्वायर जाएगा, पाई की वैल्यू मेंशन है क्या नहीं, तो आप क्या बोलोगे पाई आर स्क्वायर जाएगा सर, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 10.5 का लिख सकते हैं, ठीक है 5 से कट कर दिए, अब इसको आप सॉल्व कर लेना जो भी वैल्यू आएगी उतना एरिया आपका हो जाएगा, ठीक है ना, अब इसको सॉल्व आप कर लेना मल्टीप्लाई करके, ठीक है कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद बात आती है, ध्यान देखना, आपने कहा सर हमें रेड का रिंग चाहिए, बहुत अच्छे से देखना रेड क्या है, रेड सिर्फ इतना पार्ट है, ये रिंग है रेड, सिमिलरली ये रिंग बस है ब्लू, सिमिलरली ये रिंग बस है ब्लैक एंड दिस रिंग इज व्हाइट, यानी आपको सिर्फ वो रिंग ना सिर्फ ये जो इस तरीके से जो रिंग वाला पार्ट है इसका आपको ये निकालना है, तो आप क्या बोलोगे जैसे रेड का निकालना है, देख लो आपने कहा रेड का निकालना है, तो रेड का निकालना है अगर आपको, तो आपको एक काम करते हैं यहाँ से इस पूरे सर्कल का ये निकालते हैं और उसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर देते हैं, ये पूरे एरिया में इस पूरे बिगर सर्कल से ये वाला सर्कल का ये अगर माइनस कर दें तो सिर्फ ये जो विड्थ पट्टी दिख रही है आपको रेड वाली उसको ये निकल आएगा, ठीक है ना, ये आप नाइन्थ क्लास के मेंसुरेशन में से क्वेश्चन बहुत पढ़ चुके हो, ठीक है, तो इसका ये निकालना तो आपको बिगर सर्कल से इस सर्कल की अगर माइनस कर देंगे तो इसका ये निकल आएगा, तो आप क्या बोलोगे पाई आर स्क्वायर, अब इसके लिए आर क्या होगा 10.5 इस पूरे के लिए रेडियस कितनी आएगी 10.5 भी है और 10.5 भी है, 10.5 भी है और 10.5 भी है, ये पूरी रेडियस कितनी होगी 21, तो पाई 21 स्क्वायर माइनस पाई 10.5 का स्क्वायर, पाई कहाँ ले लो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब इसको सॉल्व कर लेना जितनी वैल्यू आएगी दैट इज द एरिया ऑफ रेड रीजन, ठीक है ना, इस तरीके से सॉल्व कर लेना दिस इज द एरिया ऑफ रेड रीजन। अब बात करते हैं ब्लू की, तो ब्लू के लिए आप क्या बोलोगे सर इस सर्कल से जो ब्लू वाला सर्कल है पूरे से यहाँ रेड तक का जितना सर्कल है पूरा माइनस करेंगे, यानी इस सर्कल से इस बिगर ब्लू वाले से यहाँ तक का जो सर्कल है पूरा माइनस कर देंगे तब जाके ये वाला हिस्सा आएगा, ये पट्टी इसका हिस्सा आएगा, तो आप क्या बोलोगे सर पाई, अब यहाँ से यहाँ तक की रेड कितनी है 10.5, ठीक है, यानी कितना आएगा तुम्हारा ये 31.5 आ गया, तो पाई 31.5 स्क्वायर माइनस यहाँ तक का ये कितना होगा पाई 21 स्क्वायर, अगेन इसको सॉल्व करोगे जो वैल्यू आएगी दैट इज द एरिया ऑफ ब्लू, सिमिलरली यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ब्लैक एज वेल एज वाइट, ब्लैक के लिए यहाँ तक का एरिया से लेके ब्लू तक का एरिया पूरा माइनस कर दो तब ये निकलेगा, और वाइट के लिए इस पूरे बिगर सर्कल के लिए से लेके ब्लैक तक का जितना एरिया है वो माइनस कर दोगे तो सिर्फ वाइट का एरिया निकलेगा, ठीक है ना, तो जैसे आप बस आप सपोज सिर्फ जितना आप इस रेंज की विड्थ निकाल दो जिस तरीके से उसी लॉजिक से आपको ये निकालना है, ये होगा 3, ऐसे ही आप ब्लैक और वाइट का भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में, तो जैसे आप बस ये निकालते हो वैसे ही एक एक करके बढ़ते चले जाना है, इस तरीके से आपकी रेडियस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी।
ठीक है, और पुराना वैल्यू की माइनस होती चली जाएगी, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है इस तरीके से, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, तो दिस इज दी थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर बुक। तो बाकी के दोनों रीजन आप बिल्कुल फाइंड आउट कर लीजिएगा, एरिया ऑफ ब्लैक एज वेल एज एरिया ऑफ वाइट रीजन, ठीक है। ब्लैक के लिए यहाँ तक की पूरी रेडियस यानी पाई जैसे स्क्वायर माइनस ब्लू तक का जितना एरिया वो माइनस कर देना, वाइट के लिए पूरा वाइट और यहाँ ब्लैक तक का जितना एरिया है वो माइनस कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर फोर, द व्हील्स ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, व्हील्स जो हैं कार के चारों जो व्हील हैं उस हर एक व्हील की डायमीटर कितनी दे रखी है 80 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितनी है 80 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस कितनी जाएगी 40 सेंटीमीटर, ठीक। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डस ईच व्हील मेक, हर एक चक्का कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा या रोटेशंस कंप्लीट करेगा, आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, जिसको हम स्मॉल n से नोट कर रहे हैं, दिस वी हैव टू फाइंड आउट कि हर एक चक्का कितनी बार घूमेगा, कितनी बार रोटेट होगा, ठीक है, इन 10 मिनट्स, टाइम कितना है 10 मिनट्स, ठीक है। तो हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डस ईच व्हील, हर एक चक्का करेगा इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, कार किस स्पीड में चल रही है 66 किमी पर, अगेन मैंने आपको बताया था बहुत पहले अपन ने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10 की जगह अपन ने फिजिक्स जब अपन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था यूनिट बैलेंसिंग, अगर आपको यूनिट बैलेंसिंग आती है, हाँ फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो अपन क्वेश्चन देख रहे थे जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन था रेट की पर देना, इतनी इलेक्ट्रिसिटी ये पर्टिकुलर डिवाइस यूज़ करती है, ठीक है ना, उसका रेट इस तरीके से है, एक दिन में 30 दिन में आप किस तरीके से यूज़ करोगे, तो वहाँ मैंने बताया था अगर आपको यूनिट बैलेंसिंग पता है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, सेम बैलेंसिंग यहाँ पर अप्लाई करना और कुछ नहीं। सबसे पहले तो आपको पता, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यूनिट को सेम करना है, यहाँ 40 सेंटीमीटर है, यहाँ मिनट है, यहाँ केएम है, यहाँ आवर है, तो आप डिस्टेंस को एक यूनिट में कंप्लीट मतलब कन्वर्ट करो या तो मीटर या सेंटीमीटर, और टाइम को भी एक ही पर्टिकुलर चीज में, तो मैं बता इस काम करते मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ डिस्टेंस को, तो ये बताओ 40 सेंटीमीटर यानी इसको मैं कह सकता हूँ 0.4 मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं, इस लॉजिक से हम बहुत से जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने कहा था इसको मैं मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ मिनट है, यहाँ मीटर ले रहा हूँ, तो इसको मैं मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 66, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ये मेरा टाइम कन्वर्ट हो गया मीटर पर मिनट में, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, कितना आ गया 1100 मीटर पर मिनट। अब हमारी यूनिट बैलेंस हो गई मीटर मीटर मिन, ठीक है ना, मिनट मिनट। सबसे पहली चीज़ है यूनिट को इक्वल करना है, आपको बैलेंस करना है, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अब आपने कहा सर स्पीड है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक कार जो है वो इस स्पीड से मूव करती है तो 10 मिनट्स में हर एक चक्का कितनी बार रोटेट करेगा, वो नंबर ऑफ रोटेशंस या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपको कैलकुलेट करके दिखा, ठीक है। अब आपने कहा यहाँ पे स्पीड है, ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है,
ठीक है ना, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने कहा जब डिस्टेंस अगर हम देखें तो 0.4 है, तो आपने कहा सर अगर एक रेवोल्यूशन व्हील की देखें तो वो कितनी होगी, एक व्हील की रेवोल्यूशन कितनी होगी या डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन कितना होगा, 2πr होगा। एक रोटेशन जब व्हील का कंप्लीट होता है तो वो कितना डिस्टेंस होगा एक सर्कल का, 2πr होगा। तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन सिंगल रोटेशन इज इक्वल टू 2πr, ये होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, डी मान लेते हैं कैपिटल डी, डी इज इक्वल टू 2πr, कितना है 0.4 को 4π10 लिखते हैं, 0.4 को 4π10 लिखते हैं, तो कितना होगा तुम्हारा ये 8π/10। अभी सॉल्व मत करना, अभी इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो गया 8π/10 meter। ये एक व्हील, एक रोटेशन व्हील की इतनी होती है 8π/10 meter डिस्टेंस आ गया। तो अब आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पे अगर मैं स्पीड अगर एस डैश हो तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है, टाइम कितना है 10 मिनट्स, ये कितना आएगा 8π/100 meter/min, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 8π/100 आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब तुम बोलोगे सर यहां भी स्पीड है, यहां भी हमने स्पीड निकाली, अब इन दोनों स्पीड को हम अगर रेशो ले लें, भाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 100 बार घूम रहा, 200 बार घूम रहा, 5 बार घूम रहा, 20 बार घूम रहा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या है, कांस्टेंट है ना, या तो इसको और सॉल्व कर सकते हो आप, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है अगर, तो आप क्या बोलोगे, भाई कांस्टेंट है तो आप बोलोगे सेम यूनिट का रेशो हो रहा होगा तब तो कांस्टेंट वैल्यू आती है, सेम यूनिट का रेशो होता है तभी तो कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो तुमने कहा था यहाँ भी हमने स्पीड ले ली मीटर पर मिनट में, यहाँ भी मीटर पर मिनट में स्पीड ले ली, अब इनका जो रेशो लेंगे वही तो क्या देगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस एन इज इक्वल टू दिस स्पीड बाय दिस स्पीड, सेम यूनिट का अगर हम रेशो लेंगे तब जाके कॉन्स्टेंट आता है, और वो कॉन्स्टेंट क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। एन इज इक्वल टू एस कितना है आपका 1100 मीटर पर मिनट, और ये कितना है 8π, रखना चाहो तो रख सकते हो 8×22/700 meter/min, पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, क्वेश्चन में यही मेंशन है ना, एक सेकेंड, क्वेश्चन में अगर पाई की वैल्यू नहीं है मेंशन तो फिर आपको ये रखना है, और अगर मेंशन है तो फिर आपको 3.14 रखना पड़ेगा, नहीं है मेंशन तो यही रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो 22/7 ये मीटर पर मिनट कैंसिल, इन्हें जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी, 7 का आएगा ऊपर, तो n इज इक्वल टू 1100 × 700 upon 8 × 22, अब इसको हम कट करते हैं, 11 से कट करते हैं, 11 2 सा, ठीक है, 4 से कट करते हैं इसको, 4 2 सा 8, 425 times, ठीक है, ये जा रहे हैं यहाँ से 350 times, और ये जा रहे हैं यहाँ से 175 times, तो n कितना आ गया, n आपका आ गया 175 × 25,
rotations. ठीक है, यानी कितने बार घूमेगा, 4375 रोटेशंस कर लेगा वो इस लॉजिक से। ठीक है ना, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा लॉजिक है भाई। आपने कहा था नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है, तो वो होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट कब आता है, जब सेम यूनिट का रेशियो सेम यूनिट के साथ लेते हैं, जब सेम यूनिट का रेशियो सेम यूनिट के साथ लेते हैं तभी कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो आपने कहा सर यहाँ पे स्पीड गिवन है, डिस्टेंस है, भाई रेडियस है, टाइम है, और यहाँ स्पीड दे रखी है। तो मैंने कहा अगर इससे हम डिस्टेंस निकाल लें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ भी एक स्पीड निकाल लेंगे, और अगर उन इस स्पीड का उस स्पीड के रिस्पेक्ट में रेशो लेंगे तो वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू देगा, और वही कॉन्स्टेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इस यूनिट को सेम किया, स्पीड को, ठीक है ना, डिस्टेंस निकाल दिया। भाई एक व्हील ए रोटेशन क्या होता है, उसका 2πr, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने यहाँ पे रोटेशन निकाल दिया, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, से स्पीड निकाल ली और नंबर ऑफ रोटेशन निकाल ली। क्लियर है, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड भी कुछ नहीं, यही है बेसिकली, इसी को थोड़ा सा अगर बहुत लिटिल बिट चेंज करें तो यही है सेकंड मेथड भी। कैसे यही है सेकंड मेथड भी, देखो सेकंड मेथड ऐसी है यहाँ पे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय, इतना तो आप करो ही करोगे, आप देखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय वील इन सिंगल रोटेशन 2πr। तो अगर सिंगल रोटेशन में 2πr, एक चक्कर 2πr का है तो n चक्कर कितने के होंगे, n इंटू 2πr के। अगर एक चक्कर 2πr का है तो n चक्कर कितने होंगे, n इंटू 2πr। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है ना। अब देखो आप इसमें, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, वो जो है वो जो मैं इसके अभी जो ये नोट कर लेना, फिर इसको भी चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है। तो सिंगल रोटेशन 2πr का हो गया, तो आप क्या बोलोगे, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील यहाँ क्या आ रहा है, डिस्टेंस इन एन रोटेशन, एन रोटेशन क्या आएगा, एन इंटू 2πr, तो डी कितना जाएगा तुम्हारे यहाँ से, डी आएगा तुम्हारे यहाँ से n इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर एस 4/10। यहाँ स्पीड है तो कहोगे अगेन सेम यूनिट, सेम यूनिट से कंपेयर होती है, अगर यहाँ स्पीड है तो वहाँ भी तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, तब तो कंपेयर करोगे आप। तो आप अगर ये स्पीड है तो इसको क्या करें, टाइम से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, ये आ जाएंगे s डैश डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमने बैलेंस कर दिया। ये क्या हो गया, s डैश इज इक्वल टू अगेन 8πr इंटू n अपॉन 10 का 100। अगेन आप दोनों को कंपेयर कर लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1100 इज इक्वल टू 8πr इंटू n अपॉन 100, 1100 इंटू 100 अपॉन 8। देखो वही चीज़ आ गई जो इससे पहले आपने करी थी, और उसके बाद सॉल्व करके ये वैल्यू आएगी। तो आपको ऐसा समझना है तो ऐसा समझ लीजिए, आपको डायरेक्ट वैसे करना वैसे कर लो, एक रोटेशन 2πr का तो n रोटेशन n इंटू 2πr हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर अपना डिस्टेंस है, स्पीड बदलना, टाइम से डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर दिया, स्पीड बन गई, स्पीड को स्पीड से कंपेयर कर लिया, ये वाली स्पीड इक्वेट करी, यहाँ से ये वाली स्पीड इक्वेट करी, और सॉल्व करके अननोन n निकाल लिया। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, या इसके पहले जो था वैसे भी कर सकते हो, दोनों एक ही तरीके हैं बेसिकली, ठीक है ना। कोई यहाँ भी देखो, अगर यहाँ पे n रखते हो तो n के लिए क्या आएगी, s बाय s डैश, वही चीज़ है यहाँ भी, सिर्फ समझने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया, बाकी कर हम वही गिर रहे हैं। तो आप हमेशा ध्यान दो कि बैलेंसिंग करना आना चाहिए आपको, यूनिट को अगर हम इक्वल इक्वेट कर दें तो हमें क्या निकालना है उस हिसाब से हम यूनिट को बैलेंस कर सकते हैं। हमें जो फाइनल आंसर चाहिए वो कांस्टेंट में चाहिए, वो मीटर में चाहिए, वो मीटर स्क्वायर में चाहिए, वो मीटर पर मिनट में चाहिए, जिस हिसाब से भी चाहिए उस हिसाब से आप क्वेश्चन को एडजस्ट कर सकते हो, और बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कुछ अलग से फॉर्मूला याद रखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको बैलेंसिंग पता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज की, तो
तो बोल रहा है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरिमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल. क्या बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन कि पेरीमीटर और एरिया को न्यूमेरिकली इक्वल कर दें, यानी दोनों को इक्वल कर दें, ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल यानी दोनों को आप इक्वली रख दो. तो अगर एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल को इक्वेट कर दें तो रेडियस की वैल्यू क्या होगा? तो बोलो ये आएगा पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर वन टाइम कैंसिल, तो आर वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर. या आपका आंसर हो जाएगा कि अगर एरिया और रेडियस को इक्वेट करते हो, सॉरी एरिया और पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस को इक्वेट करते हो तो उससे रेडियस कितनी निकल के आएगी? 2 सेंटीमीटर. तो ये ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए. तो फिफ्थ का कौन सा आंसर हो जाएगा? फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन. ठीक है ना, फिफ्थ का आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन. ठीक है ना, टू पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, आर से आर स्क्वायर वन टाइम कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू, तो रेडियस कितनी जाएगी? 2 सेंटीमीटर. तो दिस ऑल अबाउट 6.1. ठीक है ना, अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करो, जितने एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल उसको भी आप प्रैक्टिस करके देखो. ठीक है ना, मैं सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन करा दूंगा आपको, जितने एग्जाम्पल्स बचते हैं आप एटलीस्ट एग्जाम्पल्स को जरूर करें. कॉपी में आप सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन करें, थियरम्स करें, एग्जाम्पल करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड है, बट जितने मैं एग्जाम्पल करा देता हूँ वो ज़रूर करना. ठीक है, क्योंकि मैं सिलेक्टेड एग्जाम्पल करा देता हूँ जो थोड़े से लिटिल बिट टफ है और एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं. ठीक है, उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल बचेंगे आप बिल्कुल सॉल्व करो. जो भी एग्जाम्पल से डाउट है आप उससे बिल्कुल पूछ सकते हो. ठीक है, ज़्यादा डाउट होंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, कम डाउट होंगे तो मैं इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैसेज के थ्रू. ठीक है ना, तो जैसे भी डाउट्स हैं अगर आपको आप मुझे बताओ, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा. ठीक है ना, तो हम फर्दर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.